जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे इंडिया। जैसे कि आज हम अलेबा गांव के अंदर है, अभी हम भंडारे के पास हैं बिल्कुल, और यहां पर जो है जो महाराज जी यहां पर जो गद्दी पे बैठे हैं वो विनोद डुलकर, जो जिन्होंने अभी जो है एक नई एंट्री की है बॉलीवुड के अंदर, और एक फिल्म उनकी जो है रिलीज हो चुकी है, और यहाँ पर उस खुशी के मौके पर उन्होंने भंडारा लगाया है। पूरे गांव को जो यहाँ पर ये मान्यता है, आसपास के जितने भी गांव यहाँ पर इसे जो जुड़ने वाले बाबा है यहाँ की मान्यता है, और अपनी फिल्म की रिलीज होने की खुशी में इन्होंने एक भंडारा लगाया। तो सबसे पहले महाराज जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। तो सर कैसा लग रहा है, आपके गांव का बच्चा है और इन्होंने पहले जैसे कि पहली फिल्म है ये गलती आप ना हो, बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने भंडारा लगाया है, बहुत अच्छी फिल्म निकाली है इसने, और हमारे गाँव का भी हमारा भी पूरा इसके बच्चे के साथ सहयोग है। तो कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है गांव का? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल तो बढ़िया है, माहौल ही क्या दिक्कत है। तो पूरा सरपंच है सुनील, उनसे बात ही नहीं है। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई ने विनोद जी ने जो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है, और मैं तहे दिल के इसके साथ हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा गांव भी भाई विनोद के साथ तहे दिल से लगे और इसका पूरा पूरा सहयोग दे। अगर हमारा गांव इसका सहयोग देगा, ये हमारे गांव के साथ तन मन धन से है। मैं धन्यवाद दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी तक आपने फिल्मों के अंदर दूसरी जगह के हीरो देखे हैं और उनकी फिल्में देखी हैं, आज आपके गांव का बच्चा जो है वो फिल्मों के अंदर आया है, उसको ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमने भाई जी अच्छा लग रहा है, हमने भाई जी की फिल्म देखी, वो फिल्म इतनी बढ़िया फिल्म है कि मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान इसकी फिल्म को इतनी ऊंचाई पर ले जाए कि अगली फिल्म जो बनाए वो भी अच्छी हुई दोस्तों। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अभी बात करेंगे विनोद जी से, बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। और हाँ जी एक मिनट सर, अंकल जी के भी ऐसा जी जो विनोद भाई है ना, हमारा बच्चा भी है और बहुत ही अच्छे नेक नीति का है, हमने तो आपने इसे प्रशंसा कितनी बताऊं, मैंने तो इसका एक कवि होने के नाते मैंने एक भजन बनाया है, शायद आप सुनते सुना भी सकते हो। मैं बाद में सुनूंगा आपका भजन, जब भी आपका दिल करे उसी समय सुना देंगे। हाँ तो आपका जो है बहुत ही नेक नीति का, ये बहुत नेक नीति का, ये विनोद भाई हमारा बहुत नेक नीति से काम कर रहा है, गाँव के समाज के अच्छे काम करता है। अभी पिछले बारी ने लड़की लड़कियों को फ्री कंप्यूटर बांटे हैं, हाँ इससे पहले इनने एक गौशाला में पैसे दिए हैं 2.5-3 लाख रुपए गौदान दिया था, और उससे पहले इनने एक जागरण करवाया था जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट का था कोई कवि, उसका नाम तो मैं जानता नहीं, राजू था कोई, वो बुला के इनने गाँव में राजू पंजाबी मैं पढ़ा हूँ जी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो भाई ने तो जहाँ भी जितने काम करें समाज सेवी काम करे ये, तो हाँ गौ ब्राह्मण साधु की सेवा इसका पहला ही धर्म है, ये गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तब जिंदे हो जाएगी। तो गांव के अंदर कैसा माहौल है? गांव के मतलब बहुत अच्छा माहौल है, युवा बच्चा है, युवा लड़का है, आगे आने वाला हो सकता है, इसमें जग में इसका नाम इतना ऊंचा हो जाए शायद हम सोच भी सकते ऐसा बच्चा है। तो अभी एक बुजुर्ग है उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर जैसे कि आपके गांव का बच्चा है विनोद, इन्होंने फिल्म निकाली है अभी, और आज से पहले आपकी उम्र जो है काफ़ी है, और आपने जो फिल्म देखी है दूसरे हीरो की, दूसरे जगह की हीरो की, आज आपके बच्चे की जो फिल्म है आप ऑन स्क्रीन देख रहे हो, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बच्चा है जी, बहुत भगवान बालक है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, तो सारा काम इसके साथ है जी, तो जिंदा रहो जुग जुग बसो, अच्छा इसने बहुत बहुत अच्छे काम करे हैं बुरे लगे जी जी, और करता रहेगा सारा काम इसके साथ। गांव की तरफ से कैसा सहयोग है? गांव के तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग है, सारे खुश से गांव का आशीर्वाद है। हाँ सबका आशीर्वाद है, बिल्कुल स्टार बनाओगे। जैसे कि अभी हमने इनसे गांव वाले हैं और जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो नमस्कार जी। जो नमस्कार जी, जो विनोद है हाँ जी, हाँ जी फिल्म बनाई है जी, हाँ जी। और जो भंडारा ला चार पट्टी का गांव हमारा लेवा, हाँ जी हाँ जी, तो चारों पट्टी का नंदा झूला नंद है जी, सारी जाति का, अच्छा जी हाँ, बहुत बढ़िया भंडारा चले रहा जी सारा गांव। आप विनोद डुल का चैन से बात करेंगे, और इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो है भंडारा चला हुआ है, बच्चे बूढ़े दूसरी साइड में हम आपको दिखाएंगे, और इससे पहले भी हमने दिखाया कि लेडीजों का अलग पोर्शन बनाया हुआ है जहाँ पर लेडीज यहाँ पर भोजन कर सके। तो विनोद डुलगज जी से बात करेंगे। तो विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर कैसा लग रहा है आज गांव के अंदर, और गांव का जो है पूरा आशीर्वाद, बड़े बुजुर्ग बच्चे लेडीज युवा सब आपके साथ हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? गांव की नीम और गांव की सीमा जी
बाबा धोने वाले की के नाम से शुरू होती है। आज मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि अलेवा गांव जैसे गांव में मैंने जन्म लिया है और पूरा अलेवा गांव मेरा साथ दे रहा है, हर तरीके से मेरे साथ खड़ा है। इनका मेरे सर पर आशीर्वाद है, मैं बहुत ही खुश हूँ। आज से बड़ा कोई दिन मैंने देखा नहीं जो कि इनका नाम लेके इनके नाम से आज पूरा गांव मेरे सर पे हाथ रख रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो जैसे कि एक यहाँ पर जो साधु है, यहाँ पर जो गद्दी पे बैठे हैं, आज उसकी उनकी पावर जो एक मंत्री से ज़्यादा ही हो सकती, कम नहीं है, और उनका जो आपको आशीर्वाद मिला है, ये लगा लो कि उनका आशीर्वाद आपको कई गांवों के बराबर है, तो इसमें आप क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? गुरु जी को एटलीस्ट पूरा ही गाँव जितने भी लोग जानते हैं, जो स्थान बनाया है बाबा का, बाबा की ही नींव को गुरु जी का स्थान दिया है, और आज बाबा जी को देखने के लिए पहले गुरु जी के हमें चरण लेने पड़ते हैं, और गुरु जी हमारे बाबा से कोई कम नहीं है। जैसे हमारे बाबा धुना वाले हैं, उसी की परिस्थिति को ये संभाल रहे हैं, उसी स्थान पे बैठे हुए, तो हमारे लिए उतनी भावना इनके लिए जितनी बाबा धुना वाले के लिए। तो पूरी कृपा है, पूरी पूरी गुरु जी के, मैं तो हर काम इनके हाथ से भोग लगवा के ही काम शुरू करता हूं। आप जो है पूरे इनके सहयोगी बने हुए हैं, पूरे एक मेहनत है, उन्होंने मेहनत अपनी जो कर ली है, जो उन्होंने मेहनत करनी थी, अब तक जो है गाँव का ही एक आशीर्वाद है, वही इसको कामयाब कर सकता है। तो इसमें आप क्या कहोगे, क्या मैसेज करेगा? गाँव इसको कामयाब करेगा, गाँव इसके साथ है पूरा। अच्छा जी, सारा गाँव महाराज का दौर आज उड़ान आज भाई तो एक भाई है, वो बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम मनोज जी, जी गाँव अलेवा जी। महाराज जी आगे तरफ से और भाई जी विनोद की तरफ से जी, जी, जी। जो सिस्टम कर रहा है और सहायता हम लायक रहे हैं और पूरी सहायता देवांगे। जी जी जी, अगला भी दे रहा है। हाँ पर वही तो बात है, आसपास के गांव जो है वहाँ पे आज हाँ जी अभी चलते हैं वहाँ पर, जो लेडीज का पोर्शन है, जैसे कि ये भंडारे का दूसरा एक जो टेंट लगाया हुआ है, यहाँ पर जो है स्पेशल लेडीज है, और अभी आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर लेडीज लड़कियाँ ही है यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो अभी कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम जी, जैसे कि यहाँ पर भंडारा लगा हुआ है और आपके गांव का बच्चा विनोद दुलकर जिन्होंने फिल्म बनाई है, आज से पहले आपने फिल्मों में देखा दूसरे जगह के हीरो को, और आज आपके गांव का बच्चा ये एक गिना चुना बच्चा है जी, हमारे गांव में पहला बच्चा है जो इतना बड़ा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कदम उठा कर लेके आया है, तो हम इससे बहुत खुश हैं जी। तो गांव, आप एक लेडीज हो और लेडीजों का जो है कनेक्शन लेडीजों के साथ ही होता है, तो गांव के अंदर कैसी चर्चा है? पूरी चर्चा है जी, हमारे गांव में इससे पहला बच्चा है जो इसकी भी चर्चा लेडीजों में यह चल रही है, अभी ऐसे बच्चे सभी सभी औरतों के हो है। अच्छा जी, जी। तो गांव के अंदर कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है जी, गांव के अंदर पूरा गांव इसके साथ है। जैसे कि सोशल वर्किंग का भी इनका काम है गांव के? हाँ, सोशल वर्किंग में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे सफाई करवानी है, कोई मतलब साधन यूज करना है, जिसके पास कोई साधन नहीं है वो उस बस स्टैंड से गाँव तक आना है, तो वो पूरी सहायता दे रहे हैं। गाँव की तरफ से पूरा आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद है जी हमारे गाँव की तरफ से, लेडीज की तरफ से पूरा आशीर्वाद है जी। हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार सर। मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, विनोद जी ने बहुत अच्छा काम करा सर, छोटी सी उम्र में इसने बहुत समाज सेवा का काम करा सर, बहुत साफ सफाई के बारे में और जो भी मतलब दान है, जो भी लड़कियों को देना, मतलब लड़कियों को अच्छा सहयोग देना अपने गांव का, बहुत बहुत अच्छा काम करा जी, मैं इनको परमात्मा सब किसकी जिंदगी लगावा। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे ने बहुत बढ़िया काम करा, सबकी माया से जन्म देवा से बच्चे को जन्म देवा सर। ये बच्चा इस तरह का होता है और उसकी प्रशंसा भी होती है, गाँव को गर्व भी होता है, पूरी गाँव का गर्व है, जिन जिले में इतना अच्छा बच्चा आगे आया है तो हमारे गांव को गर्व है, जिन जिले का एक गांव में इस तरह का बच्चा जो अपने मतलब घर की क्या स्थिति थी, रिश्ते क्या स्थिति बनाई थी, पूरे गांव में अपना नाम रोशन कर लिया, तो इस तरह का तो बच्चा कोई कोई पैदा हुआ है।